This video is going to be about my own experiences of astral projection, how to do it, tips for the beginners. अगर आप astral projection करना चाहते हो, इस बारे में जानना चाहते हो, out of body experience करना चाहते हो, पर आपको इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो this video is going to help you a lot. So, there are many videos in YouTube. बहुत सारी videos हैं जो English में हैं, हिंदी में नहीं हैं ज़्यादा videos. तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि सबको हेल्प मिल सके. अगर कोई इंटरेस्टेड हो उसको भी हेल्प मिल सके. सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस 2 साल से एंड नाउ मैं इतनी क्वालिफाइड हो चुकी हूँ कि मैं आपको कुछ टिप्स दे सकूँ. सो द वेरी फर्स्ट टिप इज़ यू कैन नॉट बी अफ्रेड इफ़ यू आर ट्राइंग टू एस्ट्रल प्रोजेक्ट बिकॉज इफ़ यू आर अफ्रेड डोंट डू इट एनीवेज. अगर आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना है, अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, तो पहले आपके दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ इट, अगर आपको डर है इस बारे में तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना इतना आसान नहीं होता. डर है वो चीज़ जो आपको रोक रही है फॉर हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस. इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, बस बी पॉजिटिव एंड यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस. द सेकेंड थिंग इज मेडिटेशन. लोग ये पूछते हैं कि कैसे उस पोजीशन तक, उस टाइम तक पहुँचे जहाँ वी कैन फुल्ली एस्ट्रल प्रोजेक्ट, वी कैन मूव आउट ऑफ आवर बॉडी. ये हमसे हो नहीं पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके पहले हमें करनी पड़ती हैं. दैट वी हैव टू ले स्टिल बट वी डोंट हैव टू स्लीप. अगर हम सो जाएंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा. वी हैव टू बी अवेक इन आवर माइंड बट आवर बॉडी शुड बी अस्लीप. सो इस पोजिशन तक पहुँचने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि वो एक पोजीशन पे ज़्यादा देर तक लेटे नहीं रह सकते. कोई ये कहता है कि जब वो कुछ सुनते हैं म्यूज़िक उन्हें नींद आ जाती है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. और कुछ कुछ वीडियोस ऐसे भी कहते हैं कि आपको मेडिटेशन ऐसे करना है कि आपके माइंड में कुछ नहीं रहे, एकदम ब्लैंक हो जाए आपका माइंड. पर वो भी नहीं हो पाता क्योंकि माइंड बहुत सारी बातें, चीज़ें आती रहती है. सो व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट दिस. अब बात ये है, अगर आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना है, वो वाइब्रेशन स्टेज तक पहुंचना है, दैट डजेंट मीन कि आपको माइंड ब्लैंक करना है. आपको टू हार्ड पुश करना नहीं है. आप बस जाओ, लेट जाओ, जैसे आप यूजुअली डे में करते हो वैसे ही करो. बस अगर कुछ मेमोरीज, ब्लैंक्स, इमेजेस कुछ भी आ रही है आपके माइंड में, डोंट पुल थ्रू इट. उसे पकड़ के मत रहो, बस आने दो, जाने दो. और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी. बस उसी पॉइंट पे आपको ये सोचना है कि आपको सोना नहीं है. आप देखोगे बॉडी में बहुत सारा ऐसा फीलिंग आने लगेगा कि जैसे कुछ वाइब्रेशंस हो रही है, कुछ टिंगल्स हो रही है, कहीं इचिंग हो रही है, ये सब होने लगता है. आपको अनकम्फर्टेबल होने लगता है. बट यू हैव टू बी वेरी काम. आपको बस चुपचाप लेटे रहना है. आपको ये कहना है कि दिस विल पास एंड दिस विल पास. बस वो पास हो जाएगा, आप वो पोजीशन तक पहुंच जाओगे जहां वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन आप कर पाओगे. सो द सेकंड टिप इज़ दैट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. डोंट ट्राई टू डू एस्ट्रल प्रोजेक्शन बिकॉज समथिंग समटाइम वर्किंग टू हार्ड कैन बी वेरी यू. अगर आप टू हार्ड कर रहे हो, टू हार्ड यू आर पुशिंग योर सेल्फ, तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन नहीं कर पाओगे. सो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस. ये एक दिन में नहीं होता है. सो गिव योर सेल्फ टाइम. आप अपने आप को टाइम दो. एक दिन करो, दो दिन करो, तीन दिन करो, चार दिन करो, पाँच दिन करो. कीप रिपीटिंग इट. अगर आप ज़्यादा इसको रिपीट करोगे, एक दिन आप ऐसा देखोगे कि आप जा रहे हो, आप सो रहे हो, पर आपको वो सारी अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स नहीं हो रही है. आप एक ही पोजिशन पर सो भी पा रहे हो, आप एक ही पोजिशन पर लेटे रह पा रहे हो, आपको वो वाइब्रेशन स्टेज तक पहुँचना आसान लगने लगेगा. So the second tip is don't be hard on yourself. Just practice, practice, practice. The third very important tip is do not panic. अगर आपको astral projection करना है तो आपको ये दिमाग में बहुत clear होना चाहिए कि आपको panic नहीं करना है. क्योंकि अगर आप panic करोगे तो ये नहीं हो पाएगा. अब आप panic क्यों करते हो? अब ऐसा है कि हम जब रात को सोते हैं तो हम सपने देखते हैं. अब आप सपने में जब दौड़ते हो तो आप real life में तो नहीं दौड़ने लगते. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से हम जब सोते हैं तो आवर बॉडी बिकम्स पैरालाइज्ड. अब यह हर रोज़ होता है पर हमें मालूम नहीं चलता, पता नहीं चलता. बट व्हेन यू डू एस्ट्रल प्रोजेक्शन, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू एस्ट्रल प्रोजेक्शन, व्हेन यू रीच दैट स्टेज,
आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आपकी बॉडी पैरालाइज हो रही है। अब उस टाइम पे बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, अब पैनिक की वजह से आप हिल जाते हो, बस आपका मेडिटेटिव स्टेट जो है वो चला जाता है। सो पहले से आपको ये जाननी बहुत ज़रूरत है कि डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका बॉडी पैरालाइज फील हो रहा है, दैट मीन्स कि आप राइट डायरेक्शन में हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस आप सोए रहो एंड इट विल पास। सो द थर्ड टिप इज डू नॉट पैनिक। इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, प्लीज़ राइट ऑन माई कॉमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू मेक मोर वीडियोज अबाउट दिस। सो दिस थ्री टिप्स डू नॉट फॉरगेट वाइल डूइंग दिस, आपको ज़रूर बहुत सारा हेल्प मिलेगा, आप कर पाओगे। पहले पॉजिटिव रहना, फियर ना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, मेडिटेशन मतलब ये नहीं है कि आप बहुत टू हार्ड ट्राई करो, बस लेट इट बी, ट्राई एंड प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड थर्ड थिंग, डू नॉट पैनिक, येस, एंड दिस विल हेल्प यू। आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू। और कुछ भी जानना है आपको, सो राइट टू मी ऑन द कॉमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू, बिकॉज एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू माई बेबीज टू एक्सेप्ट दिस थिंग दैट it is real, it is not a dream, and just go out there, be out there, experience a lot of things out there, and be happy. Keep smiling.